नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। आज एक नए सप्ताह, आज है सोमवार और मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो देना है, तो ये उसी की शुरुआत है। आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा, वो है वोकेबलरी के ऊपर। स्पेशली ये वीडियो होने वाला है जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड हिंदी से है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जिनको वोकेबलरी का जीरो समझ नहीं आता, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही क्रिप्स वे में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा क्योंकि आप यूट्यूब पे कल सर्च मैं कल खुद सर्च करके देखा कि लोग कैसे वोकैबलरी बताते हैं। नहीं, मैं आपको ऐसी वोकैबलरी बताऊंगा जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम वही है, हमारा अपना स्कोर अच्छा करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो काम अगर आप अगले 3 महीने तक लगातार कर देते हो, डेली सुबह 1 घंटे देकर, 100% आपका जो वोकेबलरी का सेक्शन है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे मॉक टेस्ट में, एग्जाम में, और आपका स्कोर 100% बढ़ जाएगा अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी हो गई इस 3 महीने तक, अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया तो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वोकेबलरी को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, वोकेबलरी में 3 पार्ट आते हैं, चौथा पार्ट भी आता है वो बताऊंगा। 3 पार्ट आते हैं जो मेनली होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम और एंटोनिम्स, और होता है एक इडियम फ्रेजेस। चौथा पार्ट एक सब पार्ट ले सकते हैं आप, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो मैं चारों को बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको ज़्यादा देर तक याद रह सके। देखिए, एक स्टडी के हिसाब से, एक रिसर्च के हिसाब से, SSC ने अभी तक जितने भी वोकैब्स पूछे हैं वो सब 98% रिपीटेड है। मतलब कि SSC अपने खुद के वोकैब्स को 98% रिपीट करती है। मतलब कि 100 वोकैब अगर पूछ रही है SSC, अगर एक एग्जाम 100 वोकैब का ले रही है, तो उसमें से 98 वोकैब्स ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, 2 वोकैब्स में ऐसे होंगे, 2 नए उसमें वो डाल देगा। तो हमें इस 2% को लेकर नहीं चलना है, हमें उस 98% को ले चलना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है, प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर। बहुत सारी किताबें हैं, वर्ड पावर, मेड इजी और ब्लैक बुक और पता नहीं कौन कौन सी किताबें, नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपना कमांड होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे, उसके बाद ही आपको कोई और किताब फॉलो करना है। ठीक है, अब करना कैसे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब यूज़ कर रहे हो, किरण की हो, पिनाकल की हो, राकेश यादव सर की हो, किसी की भी किताब हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस आप वहाँ से रट्टा मारेंगे। रट्टा कैसे मारेंगे, समझ के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईजी होता है, आप एक को 10 बार पढ़ लेंगे वो याद हो जाएगा, लेकिन ईडियम फ्रेजेस के लिए क्या करना है आपको वो बताऊंगा आपको। बस मैं ये बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ कहाँ से करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस आपको करना है प्रीवियस ईयर से, जो 1996 से लेके अभी तक SSC ने पूछा है। थर्ड थिंग आती है साइनोनिम और एंटोनिम। साइनोनिम और एंटोनिम जनाब आप लोगों को करना है सिर्फ एक किताब से। ये फिर मैं बता रहा हूँ, किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं है और मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको वही जो ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ। आप चाहें तो उस किताब को खरीद सकते हैं, चाहें उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस किताब का नाम है देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ इंग्लिश की वोकेबलरी की किताब आती है SK डंबीवाल सर की, आप उसको खरीद लीजिए या मंगा लीजिए। नहीं खरीद पाते हैं तो PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, PDF डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, उससे पढ़िए। ठीक है, नहीं तो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है, उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, उसमें एंटोनिम और साइनोनिम रिलेट करके दिया हुआ है। रिलेट करके दिया हुआ है, इसका मतलब कि जब आप किसी चीज़ को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत देर तक याद रहेगा, अगर आप सीधा सीधा रट्टा मारेंगे तो आप 2 दिन में भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये थी आपके सोर्सेस, प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए और एक देसी जुगाड़ की किताब होनी चाहिए, या देसी जुगाड़ का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना चाहिए, या तो देसी जुगाड़ का PDF आपके पास होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप लोग अभी तक देख रहे होंगे और इसको देखना एक मिनट की और होगी। अब करना कैसे है, अब सुबह उठना है, शाम उठना है, दोपहर उठना है, कभी भी तुम्हें बस 1 घंटा देना है। मैं बोलूँगा, प्रेफर करूँगा कि सुबह उठिए, 1 घंटे में आपको क्या करना है, 20 idiom phrases लिखने हैं और उसका एग्जाम्पल से रिलेट करके खुद से लिखना है। जैसे कैट्स एंड डॉग्स है, तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश होता है, तो आपको लिखना है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड माई क्वार्टर्स। तो आपके क्वार्टर से रिलेट कर लिया आपने कि आपके क्वार्टर के बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आपको याद रहेगा वो बहुत देर तक। इसी तरह आपको 20 idiom phrases लिखना है उसके एग्जाम्पल के साथ एक पेज पे, 20 one word substitution लिखना है प्रीवियस ईयर में से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, एक पेज पे लिखना है अलग से पेज पे। तीसरा, साइनोनिम एंटोनिम ने आपको कम से कम 50 वर्ड याद करने हैं। मैं जब याद करता था देसी जुगाड़ से तो मैं एक दिन में 100 100 वर्ड याद कर लेता था, उसमें 1000 वर्ड्स आते थे, मैं 10 दिन में 1000 वर्ड खत्म कर देता था और 1 महीने में उस किताब को 3 बार खत्म करता था। ठीक है, तो
आपका ये हो गया देसी जुगाड़ से आपको 50 वर्ड्स याद कर लेने हैं साइनोनिम एंटोनिम के, तीन चीज़ आपने याद कर ली, आपको यही तीन चीज़ डेली करना है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था रीडिंग आप कर रहे हैं, तो रीडिंग से जो आपके वोकेबलरीज फंस रहे हैं, जिस वोकेबलरीज का आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, उस वोकेबलरी को भी उसी पेज पर रखना है, पेज फाड़ना है, जेब में रख लेना है। पूरे दिन जब भी आप कहीं खाली बैठे हैं, जेब में से पेज निकाला एक बार सब देख लिया, फिर पेज वापस जेब में, फिर कहीं खाली बैठे हैं अगले दिन वाला पढ़ा, अब पेज को फेंकना नहीं है, अगले दिन वाले को पेज को क्या करना है, दूसरे पेज के साथ पंच कर देना है। इसी तरह आपका 30 दिन का क्लियर होगा। 30 दिन का मतलब समझ रहे हैं आप, एक दिन में लगभग से लगभग 50, 40, 90 वो कैलोरी तैयार कर रहे हैं, तो 30 दिन का मतलब 2700 कैलोरी आप एक महीने में तैयार कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप 3 महीने तक करते हैं तो 2781 वोकैबुलरी आपके दिमाग में घूमेगा, उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद तो आप एलिमिनेशन से काम कर जाओगे। और एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बताऊंगा जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के तरीके को बताऊंगा, ठीक है। तो ये था वोकैबुलरी का पूरा, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर, लाइक करिएगा वीडियो पे, कोई और दूसरा डाउट होगा तो कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें सारे पीडीएफ मिलेंगे तुमको, ठीक है। और बताना कैसा है ये वीडियो, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, ऐसा कोई बहुत सारा तामझाम नहीं है इसमें, तो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तब तक के लिए चलता हूँ ऑफिस, जय हिंद।